नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जिरन पुलिस का नया कारनामा सामने आया, जहां दस्तावेज में हेरफेर कर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बालिग बता दिया। जब पीड़िता अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची तो जिरन पुलिस की कार्रवाई के दस्तावेज को देख एसपी राकेश सागर भी आश्चर्यचकित रह गए। किस तरीके से पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध न करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज की। वहीं पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए जिरन पुलिस पर आरोप लगाया कि महिला ने कई बार थाने के चक्कर लगाए और नाबालिग के दस्तावेज उपलब्ध कराए, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। महिला के आरोप है कि उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जिरन थाने पर पदस्थ एएसआई यादव द्वारा एसी वाली गाड़ी की मांग की गई, जिस पर महिला ने पहले तो मना किया, बाद में मजबूरीवश महिला ने जैसे तैसे 3000 की व्यवस्था कर पुलिस को दिए। ये जिरन थाने का मामला है और मैं रिपोर्ट लिखवाने गई हूँ। वो उमेश नाम का जो लड़का मेरी लड़की को ले गया, मेरी लड़की 14 साल की है और ये बोल रहे हैं कि बालिका, वो सर नाबालिग है। स्कूल के सभी स्कॉलर निकलवाए मैंने, तो उसमें भी यही है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो। फिर वो बोल रहे थे कि हाँ वहाँ नामली स्टेशन जाके हमने पकड़ा लड़की को मावली, तो फिर वो नाम मावली थाने वाले ने बोला कि ये बालिका, ये नाबालिग लड़की है, इसकी माँ का भी ख्याल नहीं करा इस चोरे ने ना, ये लेके आ गया इस चोरी को। फिर जिरन थाने वाले के सपरूप करा वो मावली वाले ने, फिर वो जिरन वाले लेके आए हम सबको यहाँ, फिर हमसे साइन करवाए, बोले साइन कर दो तुम, लिखा पड़ी जल्दी आते ही फटाफट बोला उन्होंने कि साइन करवा लो। मैंने कहा सर कि इतने दिन हो गए तो नींद हराम हुई अपने दिए, तो थोड़ी देर तो रुको सब्र करके देख लूँ मेरी बेटी को मैं। फिर उन्होंने जल्दी से बोला कि तुम्हारी जो हेल्पलाइन जो शिकायत है वो भी गोलमोल करवाओ, हम हमारी कार्रवाई कर रहे पहले वो करवाओ। तो मैंने बोला कि मेरा बेटा आ जाए उसके बाद में वो हेल्पलाइन उठवाऊंगी, तो नहीं तुम पहले करोगे तभी हम ये कार्रवाई होगी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आएगी। तो मैंने सोचा कि वहाँ मेरी बेटी मेरे पास सपरूद कर रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी होती ना साहब तो मैं मना कर देती कि वहाँ के गई तो गई। तो ये सर मेरे को मैडम भी डंडा से धमकाने लगे मेरे को, और मेरी माँ भी थी, मेरी माँ को भी धमकाने लगे। फिर मैंने बोला मेरी भी रोने लगी, फिर मेरी माँ को भी ललकार के बोले पुलिस थाने वाले के चुप रहे डोकरी। फिर मैंने ललकार के कहा कि चुप रहो, मेरी मम्मी को कुछ भी बोलोगे। फिर मेरी मम्मी रोने लगी और बोली कि क्या अन्याय कर रहे हो तुम लोग मेरी बेटी के साथ। ढूंढने के लिए जाना था तब कह रहे थे कि मेरा बेटा के फ़ोन लगाए कि गाड़ी की व्यवस्था करो, मेरा बेटा नाबालिग वो भी छोटा सा है, वो काम करता गैरेज पे। मैंने फ़ोन लगाया कि बेटा ये गाड़ी मांग रहे, तो फिर उसने गाड़ी भेजी, बोले कि हमको ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, एसी वाली गाड़ी चाहिए। जो फिर वापस गाड़ी इन्होंने, मैंने बोला कि हमारे पास एसी वाली गाड़ी नहीं है, आपके हिसाब से कर लो, मैं पैसे दे दूँगी। फिर मैंने पैसे दिए 3000 रुपये, इन्होंने गाड़ी करी थी। फिर एक बार फिर बोला कि फिर गाड़ी करो, फिर इनके हिसाब से गाड़ी करी। वो जो यादव साहब ने बोला था कि गाड़ी ये वाली करो, वो मकवाना जी और यादव जी, तो अभी उन्होंने मेरी लड़की है नाबालिग, उन्होंने ये स्कूल के जो भी स्कॉलर निकलवाए उन्होंने निकलवाए वो भी नहीं, उसने लगा रखी रिपोर्ट में, और उन्होंने बालिग एक घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बालिग बना के उसके सपरूद कर दिया। फिर क्या कैसा न्याय है ये? अब सवाल ये खड़ा होता है कि भोपाल में महिला अपराध के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर तो गाज गिर चुकी है, तो क्या अब हमेशा सुर्खियों में रहने वाली जिरन पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों पर गाज गिरेगी और महिला को न्याय मिलेगा? हालांकि पूरे मामले को एसपी राकेश सागर ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत सीएसपी को जांच के निर्देश दिए। वहीं मीडिया को बातचीत में बताया कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये अभी मेरे पास पूरा प्रकरण आया हुआ है, इसमें चूंकि जो उम्र है वो 2004 का डेट ऑफ बर्थ बताया है, तो उसके आधार पे वो 18 साल से कम हो रहा है। तो ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है इसमें चूँकि गुमशुदगी के बाद अपराध पंजीबद्ध न करना, और साथ ही आपके द्वारा जो बताया गया है कि लड़की को दस्तयाब भी किया गया है,
और ये और उसमें भी प्रॉपर कार्रवाई न करने पर ये संपूर्ण जो है जांच हम नगर पुलिस अधीक्षक को हमने दी है। और साथ ही आपके द्वारा जो इस घटनाक्रम की जानकारी के लिए जो हमारे पत्रकार साथी वहाँ गए हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया इसका भी हमने ये दोनों ही घटनाक्रम की जांच हमने नगर पुलिस अधीक्षक नीमच को दी है। और हाँ तो ये प्रकरण जो संज्ञान में आया तो इसमें चूँकि पूरा वो डॉक्यूमेंट उन्होंने कौन से इसमें लगाए हैं और इनके मूल डॉक्यूमेंट ये हैं तो दोनों का मिलान करके और इसमें कार्रवाई अनुशासन कार्रवाई करेंगे अगर इस टाइप का अगर उन्होंने किया है। ये पूरा मैं चूँकि जांच में इनके भी स्टेटमेंट होंगे तो वो जांच हम पूरा CSP को मैं दे रहा हूँ और इसमें जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।